एनएमएमसी हॉस्पिटलों को छोड़कर इंडिया बुल्स में कोविड सेंटर क्यों? आयुक्त के फैसले पर उठे सवाल। कोरोना उपचार के नाम पर बड़े घोटाले के संकेत। यहाँ सिस्टम को कोरोना हुआ है। ओवरऑल महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये आपल्याला बेडची संख्या वाढवणं अवघड आहे। ऐरोली का हॉस्पिटल है, नेरुल का हॉस्पिटल है, बेलापुर का हॉस्पिटल है, वहाँ 450 खाटे खाली पड़ी हुए है। इंडिया बुल्सच्या सेंटरमध्ये सुद्धा आपल्याला साधारणतः 3000 पेशंट्स अकॉमोडेट करण्याची क्षमता निर्माण करायची आहे। काय केले इतने हॉस्पिटल बनवाय? क्यों इतना बड़ा खर्चा करने की जरूरत क्या थी? क्यों? नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अभिजीत बांगर ने शुक्रवार को वासी के कोविड केयर सेंटर का दौरा किया और यहां 1000 ऑक्सीजन बेड तथा 100 आईसीयू बेड तत्काल क्रियान्वित करने का निर्देश दिया। आयुक्त ने यह भी कहा कि पनवेल के इंडिया बुल्स कंपनी में 3000 बेड का कोविड केयर सेंटर जल्द चालू किया जाएगा। हालांकि आयुक्त के इस बयान के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये है कि जब नवी मुंबई में मनपा के बड़े हॉस्पिटल और दर्जनों स्कूल खाली पड़े हैं, तब प्राइवेट संस्थानों में भाड़े पर कोविड केयर सेंटर चलाने की जरूरत क्या है? आयुक्त की माने तो बढ़ते मरीजों के लिहाज से नवी मुंबई में पर्याप्त इंतजाम करना बड़ी चुनौती है और इसीलिए प्राइवेट अस्पतालों और संस्थानों को चुना जा रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स को यह दलील हजम नहीं हो रही। इंडिया बुल्सच्या सेंटरमध्ये सुद्धा आपल्याला साधारणतः 3000 पेशंट्स अकॉमोडेट करण्याची क्षमता निर्माण करायची आहे। कोविड केअर सेंटर म्हणून आपण याचा वापर करणार आहोत। कोविड केअर सेंटरच्या व्यतिरिक्त काही ठराविक ऑक्सिजनचे बेड पण या ठिकाणी आपण उपलब्ध करून देणार आहोत, जेणेकरून एखाद्या पेशंटची तब्येत जर काही कारणामुळे खालावली तर त्याला शिफ्ट करेपर्यंत इमिडिएट आपल्याला या ठिकाणी ऑक्सिजनची सुविधा उपलब्ध करून देता येईल। परंतु ओव्हरऑल महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये आपल्याला बेडची संख्या वाढवणं अवघड आहे आणि आवश्यक आहे, आणि त्यासाठी आपल्याला या सेंटरमध्ये जेव्हा आपण 3000 बेड उपलब्ध करून देऊ त्यावेळी नक्कीच मदत होईल। सुन लिया आपने, ये नवी मुंबई के नए मनपा आयुक्त हैं जिन्होंने आते ही कोरोना रोकने के नाम पर भारी भरकम इंतजामों की तैयारी कर ली है। वे भी उस महामारी के पीछे पड़े हैं जिसका अभी तक कोई उपचार तक नहीं है। इसीलिए पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने समेत कई एक्सपर्ट ऐसे इंतजामों पर गंभीर सवाल उठाने लगे हैं। सुधाकर सोनावने ने कहा कि लॉकडाउन और कोरोना उपचार के नाम पर मेडिकल घोटाले का बड़ा खेल चल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो महानगर पालिका के खाली पड़े हॉस्पिटलों को छोड़कर बाहरी कंपनियों में लाखों का खर्च कर कोविड सेंटर भला क्यों बनाया जाता? काय के लिए इतने हॉस्पिटल बनवाए? क्यों? ऐरोली का हॉस्पिटल है, नेरुल का हॉस्पिटल है, बेलापुर का हॉस्पिटल है, वहाँ 450 खाटे खाली पड़ी हुए है, 1200 बेड ऐसे ही पड़े हुए है जहाँ आप वेंटिलेटर भी लगा सकते हो। तो मुझे बताए ना, करोड़ों रुपए खर्चा करके वहाँ एग्जीबिशन सेंटर में इतना बड़ा खर्चा करने की जरूरत क्या थी? आप पूरा डेडिकेटेड हॉस्पिटल वहाँ पर सेक्टर 10 में दे रहे हो कोरोना के लिए, और बाकी के जो है वो हॉस्पिटल जनरल के लिए आप अगर करते या तो उसमें से दो और कोरोना के लिए करते तो ये करने की जरूरत नहीं होती, नौबत नहीं आती। कहाँ मुझे बताइए, जिसको सांस की बीमारी है, जिसकी सांस फूल गई कोरोना हुआ है और एक को बचाया है, इतने करोड़ डालने के बाद में सरकार ने एक को बचाया, मुझे बताइए। मेरे वार्ड से जितने गए सब मर गए, 15 में ही ये कोरोना हमारा देश छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन हम नहीं चाहते। इसमें कई मेडिकल स्कैम मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। टीवी वन इंडिया इस बात का दावा नहीं करता कि वाकई ऐसे इंतजामों के नाम पर घोटाला हो रहा है, लेकिन इतना तो सच है कि जिस तरह मौजूद हॉस्पिटलों को दरकिनार कर प्राइवेट संस्थानों में कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था की जा रही है, उस पर लाखों का खर्च हो रहा है, जबकि इसे बचाकर नवी मुंबईकरों के लिए कोरोना उपचार की उत्तम व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन ये नहीं हो रहा और इसलिए सवाल उठना लाजमी है। उम्मीद है मनपा आयुक्त इसका खुलासा जरूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।